लुक्स अ बहुत ब्यूटीफुल रहा चंडीगढ़ में, लेकिन मुझे ये गाना शूट करना था वाहेगुरु के ऊपर. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो हाउ वाहेगुरु इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो पावरफुल. इज़ वेरी सिंपल एंड इफ यू कॉल हिम विद लव ही विल बी देयर विद यू एंड इफ यू हेल्प द पुअर ही इट मीन्स दैट इट्स यू हेल्प्ड एंड इट कम्स टू वाहेगुरु वट एवर यू वॉन्ट टू गिव हिम. And when you enter his place, for him everything is equal. Like, you know, there's don't come in an ego. So I just wanted to show that. And yes, I love because I really believe in him. So I'm very glad that all of you love the song. So hopefully get a good reaction from the audience too. हर इंसान की इच्छा होती है ऐसे, मतलब हर बंदा जो कनेक्शन रखता है अपने अकाल पुरख से, रख लो खुदा से, रख लो वाहेगुरु अल्लाह, जिस धर्म को भी हम मानते हैं. तो मुझे लगता है ये गाना मेरे एक रूह से कनेक्टेड था. और जब मैम ने कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा गाना है, तो जब मैंने सुना तो मुझे तब से ही इच्छा थी कि मैं ये गाऊं और मैं करूं. क्योंकि बहुत सारे सिंगर और भी ट्राई किए मैम ने, क्योंकि ऑब्वियसली एक गाना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बंदे की कि जब हम उसको अच्छे से निभा पाएँ, तो 3-4 सिंगर्स ने और भी गाया. तो मुझे पहले बहुत खुशी हुई कि मैम ने मेरा अप्रूव किया गाना, कि इसको मेरी आवाज़ इसमें जाएगी. और बेसिकली जो गाने का फील है वो इतना अटैच करता है बंदे को, हर बंदे को जब हम सुनते हैं तो एक पीसफुल लगता है बंदे को सुन के भी. और वीडियो में तो मैम ने और भी कंसेप्ट जो डायरेक्शन किया है, जो स्टोरीज हैं उसमें 3, तो बहुत बढ़िया निकल के आया है. और उम्मीद है कि सभी को पसंद आ रहा है. और ऑब्वियसली सारे जो रिएक्शन है ऑडियंस के है, जो फैंस फैन फॉलोइंग की है बात, वो सारे अच्छे से कमेंट कर रहे हैं. और मैं डायरेक्शन की बहुत तारीफ हो रही है क्योंकि स्टोरीज बहुत कनेक्ट करती है. एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही आ जाता है जब भी गाना बन के आता है, क्योंकि गाना भी मुझे वैसे ही फील चाहिए था. क्योंकि आई एम श्योर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप ही बोल सकते हैं ही कम हियर, बिकॉज आई फील यू नो द कनेक्शन विथ हिम. लाइक व्हेन यू एंटर देयर यू हैव द फीलिंग इज देयर. सो वेन एवर जब भी मैं वहाँ जाती थी, कभी कभी होता है कि यू नो आई सीन पीपल ऐसे रिएक्शन हुआ है, जैसे कभी मैं ज़्यादा लेके जाऊँ या कुछ सामने ही रख देते थे, अंदर लेके नहीं जाते थे. तो ये सब यू फील दैट यू नो दैट अपने आप ही आ जाता है, दैट ब्यूटीफुल फीलिंग दैट आई वांटेड टू बी सो सिंपल दैट आई वांट अ पर्सन टू रियलाइज कि यू नो व्हेन यू एंटर द गुरुद्वारा प्लीज देयर शुड बी नो ईगो बिकॉज फॉर हिम एवरीबडी इज इक्वल. सो दैट्स वॉज माई कॉन्सेप्ट. एज अ डायरेक्टर आई वुड लाइक टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर. एक अभी आई हैव टू अदर कॉन्सेप्ट विच इज टोटली डिफरेंट. So I want to try different kind of genres and to see what is, you know, I want to touch maybe a comedy also, maybe a fun daru wala gana. Like I really want to do something very different. I had a fantastic reaction from my family, because family and friends will give obviously a very good reaction, though the song is very beautiful. And there are people who are Nastic, who are friends of mine, who they have messaged me saying that I'm still humming the song. So I felt so good, like you know, even if somebody is humming it for a little while, you're taking Waheguru's name, I'm very blessed. जब हम डिवोशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम
उसके किरदार को अच्छे से निभा पाएँ, और जो गाने की डिमांड थी तो मैम ने सारा डायरेक्शन दिया कि ऐसे ऐसे गाइडलाइंस दी थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो पहले सॉन्ग से लेके ये तो गाना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक डिवोशनल फील्ड में जाना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी उस तरह से ही डालना पड़ता है। तो मैम ने काफ़ी मुझे गाइडेंस किया कि मतलब ऐसे ऐसे करना है, तो होपफुली मैं उतना निभा सका और सबको अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई अभी तो रिएक्शन आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। ये हाँ ऑफकोर्स ये शब्द ही तो है, लेकिन अगर गाना सबको पसंद आया तो अपने आप ही चल पड़ेगा, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। जो मेन जो हम कहते हैं कि मेन मुखड़ा है इस गाने का वाहेगुरु, वो बिल्कुल सिमिलर है। क्योंकि देखो जब हम ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब जी जब गुरुद्वारा से घर जाते हैं, कहीं भोग हो या कोई भी मतलब फंक्शन हो वहाँ पे लेके जाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी यही जो एक फ्रेज़ है बोला जाता है कि सतनाम वाहेगुरु। तो जो इसका मेन लाइन है वाहेगुरु तन तन वाहेगुरु, बहुत सिमिलर है। क्योंकि मैं जिस गांव से आया हूँ, मतलब मोस्टली हम बड़े होते हैं बचपन से, मैं देखता हूँ मैं गुरुद्वारे में बहुत गाया है और शब्द कीर्तन करना, जो सुबह होते हैं प्रभात फेरी, भाई तुझे जानते होंगे प्रभात फेरी होती है सुबह जब 5 बजे निकलती है, तो मैंने वहाँ पे भी गाया, क्योंकि वो हम बचपन से ही गाते आ रहे हैं। ये वाहेगुरु का जो फ्रेज़ है वो सारे मिलके गाते हैं, जो सारी ऑडियंस जो अपना सेवादार होते हैं, जो साथ चलते हैं, वो साथ साथ गाते हैं। तो ये गाना इसलिए सिमिलर था कि मतलब जब हम अटैच करते हैं ना किसी बंदे को, अगर कोई गाना गाएँ तो वो साथ साथ गा सके, ये गाना उस बेस पे भी बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बोलते हैं, अगर मैं गाऊँ वाहेगुरु वाहेगुरु, तो वो ऑडियंस भी मेरे साथ कनेक्ट करेगी और साथ में गाएगी, इसके लिए मतलब ये ज़्यादा कनेक्ट करता है। एंटरटेनमेंट सबको पसंद है, अगर दो फिल्म साथ साथ भी आती है, आई थिंक दोनों अलग अलग ही अपना यू नो दे कम विद देयर ओन व्यूज, बिकॉज बोथ द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट, सो आई एम श्योर पीपल लव टू सी बोथ द काइंड ऑफ जॉनर्स। सो आई थिंक देयर इज अ स्पेस फॉर एवरी फिल्म इन द मार्केट, इवन इफ दे कम टुगेदर, इवन इफ दे कम सिंगल हैंडेड, इट्स द कॉन्सेप्ट विच पीपल लव। And audience have become very smart. They don't like, you know, they know what is good, what is not. But the best way, I feel, word of mouth, when it goes around, that's the best way. I just hope even this song goes like that. And iske alawa jaise ki aapne bola aur ek aapka music video aane wala hai, correct? Abhi filhal ban, I mean like the, maine hi aadha likha hai, so ban. Both most of the song what I'm directing, if the concept is mine, even the half lyrics is mine, the so it's very easy to get the concept right. Oh, abhi hai 2-3 mahina, slowly slowly I'm climbing the stairs, so I like to climb the stairs slowly. Aaj jaate jaate agar aap two lines sajra do, आस भी तू अरदास भी तू साड़ी धड़कन विच हर सा विच तू तन विच तू साडे मन विच तू हर लफ्ज भी तू अल्फाज भी तू अनमोल जिंदगी दा कदी मोल नी मंगिया केड़े शब्दा ना तेरा शुक्र करा दस तू वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु वाहे गुरु तन तन वाहे।
तन वाहे गुरु वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु थैंक यू